नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग सामान्य जानकारी यानी दोस्तों सामान्य जानकारी में दोस्तों हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों आज आपको बता दूं कि हम लोग विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल यानी बाबर, शेर शाह सूरी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ये हिस्ट्री यानी इतिहास का आज हमारा पार्ट 8 होगा और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 484 नंबर से लेकर के 545 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो, ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों रामबाण इसलिए साबित होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर यानी कि अध्याय बाय अध्याय हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ALP और टेक्नीशियन, JEE, NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो, ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के डाउट या डॉक्टर को भेज करके साथ में दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक का वगैरह का भी PDF चाहिए तो आप उन सारी बुकों का भी हमारे टेलीग्राम चैनल से उनका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों और आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं इन सारे PDF देने के बाद साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर भी हमारे ग्रुप में अपडेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। और पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा, ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कृष्णदेव राय डाट वंश से संबंधित हैं। देखिए किसके बारे में पूछा गया, कहा गया कि कृष्णदेव जो राय थे वो कौन से वंश से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तुलु वंश, सालू वंश, गजपति वंश, संगमा वंश। तो आपको दोस्तों बता दूं कि कृष्णदेव राय जो हमारे थे तुलु वंश से संबंधित थे, यानी कि 484 का आप देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। दोस्तों ये कहां के शासक थे, तो यहां पे अगर आप लिखेंगे, देखिए हम लिख देते हैं विजयनगर, देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध, देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, देखिए आगे ले दीजिएगा कृष्णदेव राय जो थे दोस्तों, कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। दोस्तों कहां संबंधित थे, देखिए तुलु वंश से संबंधित थे। दोस्तों यहां पे हम लिख दिए संबंधित हैं या थे, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखें तो तुलु वंश का जो हमारा शासनकाल जो चला था कब से कब तक का चला था, तो इसके बारे में जान लीजिएगा, ये दोस्तों 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक चला, 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक चला। अब अगर दोस्तों इसके बारे में और जानेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे अब तुलु वंश की स्थापना जो किसने की थी, तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे दोस्तों, तुलु वंश से संबंधित थे। ये तुलु वंश की स्थापना अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तुलु वंश की स्थापना अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। और यहाँ पे तुलु वंश की अगर स्थापना की बात की जाए तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कौन दोस्तों किया था इसकी, वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया था, तो वीर नरसिंह ने किया था। चलिए ये से की कुछ फैक्ट बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 400 यहाँ पे दोस्तों 83 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, 484 नंबर था और 484 नंबर के बाद देखिए 484 नंबर था, ठीक है दोस्तों। हाँ अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों 485 नंबर पे आ जाएंगे। 485 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में
वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। देखिए एलोरा में है, हम्पी में है, कोणार्क में है या फिर दोस्तों खजुराहो में है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है दोस्तों, वो है हम्पी में। तो 485 का दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए कौन सी शताब्दी में, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 14वीं, देखिए 14वीं अगर लिख दें यहाँ पे, लिख दिया हमने दोस्तों 14वीं शताब्दी, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा 14वीं शताब्दी में, देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान, देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मध्य, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों मध्यकालीन भारत, तो हमने अब लिख दिया मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य, देखिए आगे लिखेंगे विजय और आगे लिख दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे साम्राज्य, साम्राज्य ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, देखिए आगे लिखिए की राजधानी जो थी, की राजधानी और की राजधानी हम्पी कर्नाटक, देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, हम्पी कर्नाटक, देखिए कर्नाटक आगे लिख देंगे दोस्तों राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट हो गया। अगर दोस्तों देखेंगे तो हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। दूसरा अगर इसके बारे में फैक्ट जानेंगे, देखिए पहला फैक्ट ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, देखिए हमने लिख दिया हम्पी को वर्ष 1986, हम्पी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत, देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत, देखिए विश्व आगे लिखेंगे विरासत, देखिए विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दर्जा प्रदान किया गया, प्रदान आगे दोस्तों लिख दीजिएगा किया आगे फिर गया, मतलब हम्पी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये इसकी कुछ मेन फैक्ट हो गए दोस्तों। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसमें जैसे हमने कहा ना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है, अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। चलिए इस फैक्ट को भी लिख लीजिएगा दोस्तों, ये भी हमारे ठीक है। यहाँ पे अगर लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अगर आप लिख देंगे यहाँ पे हमने लिख दिया विजयनगर, देखिए विजयनगर साम्राज्य, देखिए साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों 1300, देखिए क्या लिखेंगे 1336 ईस्वी में हरिहर, देखिए क्या लिखेंगे हरिहर, देखिए हरिहर यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, हरिहर और बुक्का, देखिए हरिहर और आगे लिख देंगे दोस्तों बुक्का, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों द्वारा किया गया था। तो ये इसकी कुछ मेन फैक्ट बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 485 के बाद दोस्तों 486 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विट्ठल मंदिर जो है स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है, कौन सा मंदिर पूछा गया दोस्तों, देख लीजिएगा विट्ठल मंदिर की बात की गई है और यहाँ पे कहा है कि विट्ठल मंदिर जो है स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, कहा गया हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह के लिए, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह के लिए, या पट्टदकल में स्थित स्मारकों के समूह के लिए, खजुराहो में स्थित स्मारकों के लिए। तो विट्ठल मंदिर जो हमारा स्मारक है वो किस समूह के लिए शामिल है या फेमस है दोस्तों, तो वो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह के लिए हमारा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो 486 का विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी आपने दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में
विट्ठल मंदिर शामिल है दोस्तों। ठीक है, विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर दोस्तों भगवान विट्ठल अर्थात विष्णु भगवान को समर्पित है। अब भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली यहाँ पे निर्मित है दोस्तों। अगर देखेंगे यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए, बस इतना आप लिखिएगा, यह मंदिर जो है दोस्तों, देखिए यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए, देखिए हम यहाँ पे के लिए क्या लिख देंगे, विष्णु भगवान, यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान के लिए समर्पित है, विष्णु भगवान के लिए, आगे दोस्तों लिखेंगे समर्पित है, विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। देखिए ये हो गया। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो इस मंदिर में शैली कौन सी, देखिए वास्तुकला, भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, यहाँ पे द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। क्या है, द्रविड़, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे द्रविड़, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है, द्रविड़ शैली का, आगे दोस्तों लिख देंगे प्रयोग हुआ है, द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इस मंदिर में किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 487 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। देखिए हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर कौन सा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो वो समर्पित है दोस्तों भगवान शंकर को, यानी कि भगवान शिव को आप कह सकते हैं। तो 487 में दोस्तों देख लीजिएगा, ए विकल्प में भगवान शिव लिखा हुआ है, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब दोस्तों अगर देखेंगे, चलिए इस फैक्ट को अगर मैं आपको लिख के बताऊं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर, देखिए यहाँ पे आप क्या बताया गया, विरूपाक्ष, तो हम लिख देंगे विरूपाक्ष जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कर्नाटक के, आगे दोस्तों लिखेंगे बेल्लारी, देखिए कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा, कर्नाटक के बेल्लारी जिले के, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों जिले के तुंगभद्रा, देखिए तुंग, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे पर हम्पी में स्थित है, नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है दोस्तों। कहां पे स्थित है, ये हम्पी में स्थित है, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा स्थित है। तो ये इसका मेन कुछ फैक्ट हो गया, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये आपने पहले जान लिया है। और दोस्तों अगर इसमें जानेंगे तो इसमें भी दोस्तों द्रविड़ शैली को, ये मंदिर यहाँ पे द्रविड़ शैली के रूप में भी, यहाँ भी इसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, वहां भी द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया था, और यहाँ भी द्रविड़ शैली का इस मंदिर में प्रयोग हुआ है, द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये लीजिएगा। चलिए ये दो इसके कुछ मेन फैक्ट हो गए, और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 487 के बाद दोस्तों 488 नंबर, कहा है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। देखिए अभी हरिहर और बुक्का आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, जब पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है तो पिछले क्वेश्चन में आपको पता होगा कि बुक्का जो प्रथम, देखिए बुक्का प्रथम जो था, कह रहा प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो दोस्तों आपको बता दो, सालु वंश का, संगम वंश का, तुलु वंश का, अरावीडु वंश का, तो ये हो जाएगा संगम वंश का। तो 488 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे, हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल चार वंशों, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश व अरावीडु वंश ने शासन किया। बुक्का प्रथम जो था दोस्तों, वो संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बुक्का प्रथम, देखिए ये जो हमारे चारों वंश लिखे हैं, ये हरिहर और बुक्का ने दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर स्थापित किया था, ये चार, मतलब चार वंशों को, सालु वंश, संगम वंश, तुलु वंश, अरावीडु वंश। लेकिन बुक्का प्रथम जो है, देख लीजिए जो यहाँ पे पूछा गया है, बुक्का प्रथम जो है वो संगम वंश के लिए इसका संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा,
489 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, इसका दूसरा नाम है उर्फ हसन गंगू ने। देखिए अगर इसका आप नाम कहेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह कह देंगे तो भी ठीक है, या इसका दूसरा नाम दोस्तों आप कहेंगे उपनाम था हसन गंगू भी कहा जाता था। मीर जाफर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह बहमनी, दोस्तों 489 का जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी। देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तो वो है हसन गंगू, अर्थात दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना किया था। तो 489 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए पे ये मौजूद है, तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से दोस्तों 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसका असली नाम दोस्तों जफर खां था। अब बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया था। देखिए अगर देखेंगे तो बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने क्या किया था, हिंदू से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया था। यह गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानबाद रखा गया था, अहसानबाद रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये बात पता चल गई, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था हसन गंगू। हसन गंगू अर्थात दोस्तों अलाउद्दीन हसन कह सकते हैं, हसन गंगू एक मोहम्मद, अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक दोस्तों का क्या था, सूबेदार था, कौन, हसन गंगू, यही अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू कहते हैं। ये दोस्तों इनका नाम दोस्तों बहमन शाह के नाम से इनको 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना के बारे में जब हुई थी तभी इनको हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाने लगा। जब बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो इनको फिर हसन गंगू के नाम के अलावा इनको बहमन शाह नाम से जाने जाने लगा। अब दोस्तों यही कुछ इसकी खास बातें हो गई और देखेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग अगला फैक्ट पे आ जाते हैं और देख लीजिएगा 489 के बाद दोस्तों 490 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो दोस्तों अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन जो पढ़ा है दोस्तों 1347 ईस्वी में कहा गया है कि 1347 ईस्वी में कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई थी और किसने किया था, दोस्तों हसन गंगू ने किया था। देखिए जब 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने कौन से राज्य की स्थापना की थी, बहमनी राज्य की स्थापना किया था। अभी देखिए हम पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था, तभी से इनको इनका नाम दोस्तों हो गया था बहमन शाह के नाम से भी इनको जाने जाने लगा था, यानी कि हसन बहमन शाह के नाम से इनको जाना जाने लगा था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यानी कि पहले इनका क्या नाम था, पहले बात समझिए ध्यान से, हसन गंगू इनका नाम था लेकिन 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना कर दी गई, तभी से इनका हसन गंगू का उपनाम हो गया अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह नाम इनका हो गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 490 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 491 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। देखिए वीर नरसिंह अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पढ़ाया है, पहले ही क्वेश्चन में बताया कि वीर नरसिंह जो थे वो कौन से राजवंश के शासक हुआ करते थे, तो वीर नरसिंह जो हमारे थे दोस्तों तुलु वंश के जो थे राजवंश के शासक हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारा 491 का अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, दोस्तों 491 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे, दोस्तों तुलु राजवंश के राजा थे ये शासक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 491 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 492 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हम्पी डाट डाट साम्राज्य की राजधानी है। अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं हम्पी जो हमारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, तो इस जगह पे आप क्या भरेंगे, विजयनगर भर देंगे दोस्तों, क्या भर दिया जाएगा विजयनगर। देखिए हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है दोस्तों, 492 का ए विकल्प क्वेश्चन राइट हो जाएगा, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। आगे दोस्तों आ जाइए, यहाँ पे हमारा दिया गया 492 के बाद दोस्तों 493 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वर्तमान समय का डाट डाट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय का डाट डाट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो जो अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं तो किसकी हो जाएगी दोस्तों, हम्पी की। देखिए हम्पी
जो है वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन पे दिया गया है। तो 493 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 494 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि विजयनगर राजवंश के उपशासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। पुलेकिसिन द्वितीय, राजा राजचोल, आदिशंकर या कृष्णदेव राय। दोस्तों 494 का हमारा हो जाएगा इस जगह पे कृष्णदेव राय जो थे वो उपशासक थे, और जो मेन शासक थे दोस्तों कौन थे, वो राजा नरसिंह राव थे। दोस्तों कौन थे दोस्तों, वो हमारे वीर नरसिंह थे। इनका क्या नाम है, वीर नरसिंह। तो वो क्या थे दोस्तों, वो थे दोस्तों तुलु वंश के हमारे मेन राजवंश हुआ करते थे। लेकिन विजयनगर राजवंश के उपशासक का नाम बताइए यहाँ पे बताया गया है, तो कृष्णदेव राय हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको हमने पहले ही नंबर के क्वेश्चन में इसको हमने रीड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 495 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कृष्णदेव राय डाट डाट साम्राज्य के शासक थे। देखिए अभी आपने पढ़ा है कृष्णदेव राय हैं दोस्तों, वो कह रहा कौन से साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। दोस्तों अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कहाँ के हुआ करते थे, विजयनगर के हुआ करते थे। विजयनगर आप यहाँ पे भर देंगे तो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, जो कि बी विकल्प में मौजूद है। तो 495 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 495 के बाद दोस्तों 496 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है, गुरु बसव, श्री कृष्ण देव राय या श्री कृष्ण देव राय, तुलसीदास, कालिदास। दोस्तों 496 का हमारा हो जाएगा, आपको बता दूं यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था, तो वो है दोस्तों श्री कृष्ण देव राय, यानी कि 496 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 496 के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि अन्यमया, देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे, अन्यमया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, तमिलनाडु से या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल से। तो 497 का दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा अन्यमया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे वो वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य से संबंधित थे दोस्तों, तो वो है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 497 का दोस्तों हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे तो ये जो है दोस्तों ये अन्यमया या अन्यमायाचार्य, आप इनको दूसरा नाम कह सकते हैं, एक तेलुगु संत थे, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 को हुआ था, भारत के आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना किया था। ये कौन सी रचना, ये भगवान वेंकटेश्वर के अनेक प्रकार के भजनों की इन्होंने रचना किया था। और दोस्तों देखेंगे तो इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा में 22 मई 1408 को हुआ था। कब हुआ था, देखिए इनका अगर जन्म की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वैशाख और आगे लिखेंगे बुद्ध पूर्णिमा। देखिए वैशाख आगे लिखेंगे बुद्ध पूर्णिमा, तो वैशाख के दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा में 14 मई, देखिए क्या लिखेंगे 22 मई 1408 को, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 मई और आगे लिखेंगे दोस्तों 1408 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे आगे लिखिए कडप्पा, लिखिए कडप्पा जिले में इनका जन्म हुआ था, कडप्पा जिले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, 497 के बाद दोस्तों 498 यहाँ पे कहा गया है कि देव राय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डाट डाट ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, 1420 में, 1424 में, 1418 में या फिर दोस्तों 1419 में। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1420 में हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 1400 हमारा हो जाएगा 20, जो कि दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे।
तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा देव राय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, यानी कि 498 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 498 के बाद दोस्तों 499 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि साम्राज्य डाट डाट साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और मुक्का ने किया था। देखिए कौन से साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की देखिए यहाँ पे दिया गया है, या फिर मालवा या बहमनी या फिर दोस्तों बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दोस्तों बता दूं 499 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर, यानी कि 499 का हमारा बी विकल्प वो दोस्तों सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 499 के बाद दोस्तों 500 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि गोलकोंडा किला डाट डाट के दौरान बनाया गया था, यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पे गोलकोंडा किला डाट डाट के दौरान बनाया गया था, विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था, या कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया था, या सातवाहन राजवंश के दौरान बनाया गया था, या होयसल राजवंश के दौरान बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा इस क्वेश्चन का जो है रेलवे बोर्ड ने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था, और यहाँ पे अगर इसके बारे में जानेंगे तो गोलकोंडा किले का निर्माण दोस्तों वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। अब देखिए इसने कहा गोलकोंडा किला का किसके दौरान बनाया गया था, तो गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा, अब देखिए वारंगल के राजा तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन पे दिया ही नहीं गया, तो आप चलिए इसके बारे में लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा गोलकोंडा, देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे गोलकोंडा लिखेंगे। तो दोस्तों गोलकोंडा किले का, देखिए गोलकोंडा किले का निर्माण जो है गोलकोंडे किले का निर्माण आप आगे लिखेंगे दोस्तों निर्माण से कौन कर रहा था, वारंगल के राजा दोस्तों कौन, वारंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे वारंगल के राजा, देखिए वारंगल के राजा ने कच्चे किले, वारंगल के राजा ने कच्चे, देखिए आगे हम लिख देंगे कच्चे किले, देखिए आगे लिख दीजिएगा कच्चे किले के रूप में कराया था, कच्चे किले के आगे लिख दीजिएगा रूप में, आगे लिख दीजिएगा कराया था, कच्चे किले के रूप में कराया था, देख लीजिएगा इसका पहला फैक्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था, अब देखिए वारंगल के राजा तो यहाँ पे कहा ही नहीं गए, इसने ये पूछा कि गोलकोंडा किला किसके दौरान बनाया गया था, तो देखिए वारंगल के राजा ने बनवाया था, कच्चे किले के रूप में बनवाया गया था। अब अगर और इसके बारे में जानेंगे तो बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था, बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में पहुंच गया था, और 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया था, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माणकर्ता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। देखिए कुछ विद्वान जो है दोस्तों इसका निर्माण काल जो दोस्तों इस प्रकार से था, इसको कुछ विद्वान कुतुब शाही राजवंश को इसका निर्माणकर्ता मानते हैं। देखिए हुआ क्या, ये बाद में क्या हुआ, बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में आ गया। देखिए बाद में क्या हुआ, दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जब ऐसा हो गया तो बाद में ये बहमनी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बहमनी राजाओं के हाथों में आ गया, बहमनी राजाओं के हाथों में आ गया, हाथों में आ गया। तीसरा फैक्ट अगर लिखेंगे, देखिए हाथों में आ गया, तीसरा फैक्ट अगर देखेंगे तो 1512 ईस्वी में ये कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया। देखिए कब, 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुतुब शाही राजाओं के हाथों में आ गया, कुतुब शाही आगे दोस्तों लिख दीजिएगा राजाओं के हाथों में आ गया, हाथों में आ गया, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गया, कुतुब शाही राजाओं के हाथों में आ गया, परंतु देखिए कुछ विद्वान इसका निर्माण करता, देखिए अब यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा कुछ विद्वान, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुछ विद्वान, विद्वान जो है, देखिए कुछ विद्वान जो है, विद्वान कुछ विद्वान इसके निर्माण करता, देखिए कुछ विद्वान इसका निर्माण करता आप लिख दीजिएगा निर्माण करता, यहाँ पे क्या लिखेंगे निर्माण, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा करता, कुछ विद्वान इसका निर्माण करता कुतुब शाही राजवंश, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कुतुब शाही, देखिए कुतुब शाही राजवंश, कुतुब शाही राजवंश को मानते हैं, को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मानते, फिर आगे लिख दीजिएगा मानते हैं, देखिए इसको हटा दीजिएगा, ये इसकी कुछ फैक्ट बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे दोस्तों तो इसमें किसको सही मानेंगे, देखिए
अब हो सकता है वारंगल के राजा, देखिए हमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बस आप ये कुतुब शाही राजवंश को ही टिक कर दीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ब्रो, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया इसका कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 501 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। देखिए क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला दोस्तों हमारा तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो 500 का दोस्तों 501 का हमारा बी विकल्प दोस्तों इस जगह पे राइट हो जाएगा। हमने यहाँ पे ए विकल्प लिख दिया, गलत लिख दिया था दोस्तों, यहाँ पे बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी 501 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 501 के बाद दोस्तों 502 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है दोस्तों हरिहर एवं बुक्का थे। देखिए हरिहर फर्स्ट और बुक्का, देखिए तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे दोस्तों, हरिहर थे, यानी कि 502 का हमारा दोस्तों सी विकल्प के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे 502 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 503 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए, कह रहा वो इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सामने या समक्ष लाया था। देखिए कर्नल कालिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन, मैथ्यू बोल्टन या एडवर्ड बार्लो। तो दोस्तों 503 का हमारा जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि उस इंजीनियर का नाम दोस्तों हमारा हो जाएगा 503 का ए विकल्प, यानी कर्नल कालिन मैकेंजी उस इंजीनियर का नाम था जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था या सामने लाया था। तो 503 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इन खंडहरों को कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ये दुनिया के समक्ष कब लाया गया था, हम्पी के खंडहरों को 1800 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों, 1800 ईस्वी में दुनिया के समक्ष पेश किया गया था। चलिए तो अब दोस्तों यहाँ पे और अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो पर्याप्त है, फिलहाल इतना ही जानिएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और हमारा 503 के बाद दोस्तों 504 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा है कि विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डाट डाट की एक राजपूत राजकुमारी थी। देखिए आंध्र प्रदेश की थी, राजस्थान की थी, उड़ीसा की थी, या फिर दोस्तों गुजरात की थी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको बता दूं जो क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान की, मीराबाई वर्तमान में राजस्थान के राजपूत की राजकुमारी थी। तो इस जगह पे हमारा क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, राजस्थान भर दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो 504 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे कहा है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो दोस्तों है, यहाँ पे कहा गया है कि विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में दोस्तों राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। यानी कि बी विकल्प में हमारा दिया गया है, तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो था 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र और युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। अब विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति का निधन हो गया। अब पारिवारिक संपातों में मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन जा बसी और कृष्णमय हो गई। ये संत रैदास की शिष्या थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों नरसिंह जी का गायरा या नरसिंह जी का मायरा कहिएगा, राग गोविंद कहिए, मीरा का मल्हार कहिए, फुटकर पद कहिए, इत्यादि इनकी रचना ही थी। तो आपको बात समझ में आ गई दोस्तों, ये जो मीराबाई थी हमारी भक्त मीराबाई वर्तमान में ये राजस्थान के राजपूत राजकुमारी थी। ये दोस्तों आपको बता दूं कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज में से उनका विवाह हुआ था। इनके साथ इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के महाराजा, देखिए अगर आप मैं चलिए लिख कर दिखा दे रहा हूं, या यहाँ पे आप ले लीजिएगा मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के महाराणा, देखिए महा आगे लिख दीजिएगा महाराणा
सांगा, महाराणा सांगा के पुत्र। तो यहां पे लिखेंगे महाराणा सांगा के पुत्र, महासांगा के पुत्र और युवराज भोजराज और युवराज, देखिए युवराज भोजराज आगे यहां पे युवराज भोजराज इनका नाम है। युवराज क्या नाम है? युवराज भोजराज से इनका इनका विवाह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ दोस्तों, इनका विवाह हुआ था। युवराज जो थे उनका नाम भोजराज थे, इससे इनका विवाह हो गया था और कुछ ही साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। यहाँ फिर आगे आप कुछ लिखेंगे तो यानी कुछ ही साल बाद, देखिए कुछ ही साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, इनके पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, जिससे दोस्तों ये क्या था, अपना घर बार सब छोड़ करके ये वृंदावन चली गई और वृंदावन में दोस्तों कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गई। तो और ये दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारी जो थी दोस्तों, ये इनकी कुछ मतलब रचनाएं भी इन्होंने बाद में किया है। नरसी जी का दोस्तों मायरा इन्होंने रचना किया है, राग गोविंद किया है, मीरा का मल्हार किया है, फुटकर पद किया है और ये रैदास की शिष्य बन गई थी, ये रैदास की शिष्य हो गई थी, रैदास की अब ले लीजिएगा रैदास की शिष्य बन गई। क्या बन गई दोस्तों? रैदास की शिष्य बनी। तो ये हो गया और इनकी रचनाएं अगर देखेंगे तो रचनाएं हमने आपको बता ही दिया है, चलिए अब मत लिखिएगा और आगे फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 505 नंबर में दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि दास बोध, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, दास बोध मुख्य रूप से डाट डाट की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, रामानुज का, चैतन्य का, समर्थ रामदास का, कबीर का। दास बोध मुख्य रूप से डाट डाट की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समर्थ रामदास, यानी कि दास बोध मुख्य रूप से समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 505 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों जानेंगे तो दास बोध जो है हमारा मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। दास बोध अगर आप यहाँ पे, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, दास बोध जो है दोस्तों वो दास बोध क्या है, अगर आप कभी आपसे पूछ लिया जाए, कोई पूछे दास बोध क्या, दास बोध जो हमारा है मराठी संत साहित्य, देखिए मराठी संत आगे दोस्तों लिख दीजिएगा साहित्य, मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख, का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा का एक प्रमुख ग्रंथ है, का एक प्रमुख आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ग्रंथ है, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ग्रंथ है, ठीक है ये बात हो गई। दास बोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो 505 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी है दिया गया है ना, सी समर्थ रामदास, ये विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 506 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पे कहा गया कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डाट डाट अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करके निदान पर आधारित है। देखिए कितने अध्याय हैं, अध्याय की यहाँ पे संख्या पूछी गई है दोस्तों, ये एनटीपीसी के स्टेज 2 के 2022 यानी लेटेस्ट का हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि माधवाचार्य जो थे वहां पे इसमें कितने अध्याय थे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे 69 अध्याय, यानी कि 506 का दोस्तों हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 507 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। देखिए श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, असम में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारा लेटेस्ट में पूछा गया है हाल ही में 2022 में, और इसके बारे में अगर जानेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में कोच्चि के निकट एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है दोस्तों, केरल में कोच्चि के निकट स्थित है दोस्तों, कहाँ पे, केरल में दोस्तों कोच्चि, देखिए केरल में एक जगह है कोच्चि, वहां पे ये विद्यालय हमारा स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे तो हमारा 507 का अगर देखा जाएगा दोस्तों तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इस विद्यालय की स्थापना हमारी दोस्तों हुई थी 1993 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, कब, 1993 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों, 1993 ईस्वी में हुई थी।
और दोस्तों अगर देखेंगे तो ये माधव निदान आयुर्वेद का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है। और दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ये माधव निदान नहीं दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों केरल में कोच्चि में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे तो पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे 507 के बाद दोस्तों 508 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपत या श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, देखिए इसे कितने नाम है, बालाजी के कितने नाम है, देखिए पहले तो एक वेंकटेश्वर नाम से जाना जाता है, फिर एक वेंकट चलपत नाम से भी जाना जाता है, श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान डॉट डॉट का एक रूप है दोस्तों, किसका रूप है, बालाजी जो है करा एक हिंदू भगवान है जो दोस्तों उनमें से ये किसका रूप है, देखिए शिव का रूप है, हनुमान का रूप है, विष्णु का रूप है, दोस्तों ब्रह्मा का रूप है। तो हिंदू भगवानों में से दोस्तों ये बालाजी जो हमारे हैं ये हमारे विष्णु का रूप है। तो यानी कि 508 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है यहाँ पे दोस्तों यहाँ 508 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 509 नंबर। और यहाँ पे ये बताया गया कि हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डाट डाट की पूजा करते हैं, राम और सीता की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं या फिर दोस्तों शिव की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं, यानी कि 509 का अगर देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगला यहाँ पे हमारा 510 नंबर देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे 510 नंबर पे कहा गया है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, देखिए मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, देखिए मेवाड़ की, मेड़ता की, सतारा की या फिर दोस्तों बीजापुर की, तो मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 510 का बी यानी कि मेड़ता की राजकुमारी थी। तो 510 का हमारा दोस्तों बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगर दोस्तों देखेंगे तो मीराबाई का अगर जन्म की बात की जाए तो देखिए आपको बता दूं कि मीराबाई का जन्म दोस्तों 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे हम आप चलिए थोड़ा सा मीराबाई के बारे में पीछे पड़ चुके हैं और फिर से बता दे रहे हैं, देखिए मीराबाई का जन्म जो था दोस्तों यहाँ पे जन्म आप क्या लिखेंगे, मीराबाई का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो ये 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे पाली के कुड़की, यहाँ पे क्या लिखेंगे कुड़की गांव में हुआ था, कुड़की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गांव में हुआ था, पाली के कुड़की गांव में हुआ था। ये तो हो गई मीराबाई के जन्म की बात हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीराबाई की जो शादी हुई थी वो दोस्तों आपको बता दूं कि महाराजा वहां पे मतलब दोस्तों इनके मतलब मेवाड़ के जो राजा थे, महाराजा मेवाड़ के जो राजा थे उनके पुत्र दोस्तों भोजराज, उनका पुत्र का नाम क्या था दोस्तों भोजराज, उन्हीं के साथ इनका विवाह हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद वो भोजराज की मृत्यु हो गई थी और भोजराज की मृत्यु होने के बाद दोस्तों फिर ये क्या घर बार सब छोड़ करके ये वृंदावन चली गई और वृंदावन में दोस्तों क्या हुआ था कि ये कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गई और दोस्तों फिर ये हमारी रैदास जी की शिष्या भी बन गई और इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की हैं। तो ये सब इनसे रिलेटेड कुछ बातें थी दोस्तों। चलिए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन 510 के बाद दोस्तों देखेंगे 511 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है, कहा गया कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, विष्णु स्वामी थे, माधवाचार्य थे, निम्बार्क थे या रामानुजाचार्य थे। तो 511 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 511 का दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा रामानुजाचार्य, विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो 511 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक दोस्तों हमारे रामानुजाचार्य थे। तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 511 का डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे तो आपको बता दूं कि ये जो मतलब थे इस विचारधारी के अनुसार ब्रह्मा समस्त सद्गुणों का साकार रूप है, इनके अनुसार था ये।
या निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है, वरन यह सत्यम ज्ञानम आनंदम का साकार रूप है। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहते हैं। दोस्तों ये कुछ इनकी बातें थी और देख लेते हैं, ये कुछ खास बातें नहीं थी, बस इतना आप जानिए क्या कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 512 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि 1600 से लेकर के 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों क्या पूछा गया, मियां मीर, देखिए मियां मीर कह रहा किस राज्य से संबंधित है, 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, या फिर दोस्तों कर्नाटक से। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारे संबंधित थे दोस्तों, ये पंजाब से संबंधित, देखिए मियां मीर लिखा है तो इसका मतलब दोस्तों पंजाब से संबंधित थे। तो 512 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 513 नंबर, और इसपे कहा गया है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से, बाबा फरीद से, या बांदान वाज गिसुद राज से। देखिए अजमेर कह रहा इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, तो 513 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चार विकल्प दिए गए थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और दोस्तों बाबा फरीद और बांदान वाज गिसुद राज। तो देखिए ये हो जाएंगे ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती, यानी कि 513 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे कुछ इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। देखिए आपको बता दूं दोस्तों कि 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। दोस्तों इनकी दरगाह कहाँ पे थी, जिससे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, और ख्वाजा मुइन चिश्ती ने 1912 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ये किसके साथ भारत आए थे, देखिए 1912 में अगर देखेंगे तो 1912 में ये मोहम्मद गोरी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। कौन दोस्तों, ये के साथ ख्वाजा मुइन चिश्ती, यहाँ पे लिख दीजिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ 1912 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ आए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1912 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे, कहाँ भारत आए थे, कहाँ पे आए थे दोस्तों, यहाँ पे आप आगे लिख दीजिएगा भारत, तो भारत ही आए थे। अब अगर दोस्तों इनके बारे में कुछ और जानेंगे और फैक्ट, तो इन्होंने ही चिश्तियां परंपरा की नींव रखी थी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारा 513 का बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, और ये भारत आए थे किसके, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया कहा गया कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए इलाहाबाद में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, या मगहर में हुआ था। तो 514 का दोस्तों अगर आपको बताऊं तो ये संत कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो वाराणसी में हुआ था। तो 514 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 500 देखिए संत कबीर का जन्म वाराणसी में कब हुआ था, 1440 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 1440 ईस्वी लिख देंगे, 1440 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों अगर इनके बारे में जानेंगे तो ये कहाँ पे हुआ था, देखिए इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये वाराणसी के पास लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, यानी कि वाराणसी में, देखिए अगर देखेंगे तो इनका वाराणसी में हम लिख दें, वाराणसी में लहरतारा, देखिए लहरतारा वाराणसी के पास लहरतारा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। तो ये इनके कुछ बातें हो गई दोस्तों, और ये कब हुआ था दोस्तों, 1440 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कब, 1440 ईस्वी में हुआ था, ये तो आप पहले ही मैं बता चुका हूं। और दोस्तों अगर इसके बारे में और जानेंगे तो ये दोस्तों कबीर दास की मृत्यु दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो देखिए अब इनकी मृत्यु की बात कर ली जाए दोस्तों, तो मृत्यु की बात की जाएगी तो
मृत्यु दोस्तों कहां पे हुई थी दोस्तों, 1518 ईस्वी में कहां पे हुई थी दोस्तों, मगहर में हुआ था। मगहर को दोस्तों इस समय पे क्या बोला जाता है, संत कबीर नगर बोला जाता है, संत कबीर नगर। देखिए मगहर का नया नाम अब क्या हो गया है, संत कबीर नगर हो गया है। तो ये था इनका मृत्यु से फैक्ट था। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 514 के बाद दोस्तों 515 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग देव लवी और बाबा फखरुद्दीन शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों कहा गया कि ये कि एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पे फतेहपुर सीकरी का सीकरी बनवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी यहां पे दोस्तों कहां पे बनवाया गया था, ये बात अगर आप जानेंगे तो 515 का दोस्तों हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती, यानी विकल्प नंबर डी पे दिया गया है। तो 515 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 515 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे दोस्तों। इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। चलिए यहां पे इतनी बातें आपने जान लिया, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों ये हमारा देखिए अगला अध्याय भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। अब मुगल काल के बारे में दोस्तों हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। और बाबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड। कहा गया कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल डाट की आयु में 1494 फरगाना की गद्दी पर बैठा था। देखिए तब इसकी उम्र कितनी थी, देखिए कह रहा है कि 9 वर्ष का था, 11 वर्ष था, 12 वर्ष का था, या फिर दोस्तों 7 वर्ष का था। तो 516 का अगर जानेंगे दोस्तों तो यहाँ पे केवल 11 वर्ष की आयु में, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 11 आगे दोस्तों लिख देंगे वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी में बैठा था। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 का हमारा दोस्तों, 516 का देखेंगे दोस्तों तो बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 516 के बाद दोस्तों 517 नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो 517 नंबर हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डाट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था, इब्राहिम लोदी को भेजा था दोस्तों, सिकंदर लोदी को भेजा था, गाजी खान लोदी को भेजा था, या फिर दोस्तों बहलोल लोदी को भेजा था। दोस्तों यहाँ पे 517 का हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी को भेजा था, यानी कि 517 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया था, कहा गया था दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। कौन, बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक के लिए भेजा था, यानी कि 517 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे तो ये हमारा 517 का यहाँ पे ए विकल्प राइट हो गया। और आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 518 नंबर यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी पोल टैक्स, यानी कि ये कहा गया कि मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, सरिया का या साफी का या जाहिलिया का या फिर दोस्तों जजिया का। दोस्तों आपको बता दूं कि जजिया कर नाम से इसको जाना जाता था, क्या नाम से जाना जाता था दोस्तों, जजिया कर। तो 518 का दोस्तों यहां पे हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग क्या जानते थे, जजिया कर नाम से जानते थे, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था दोस्तों। क्या था दोस्तों, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्या था दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए गैर यहाँ पे कहा ना गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए कर था, कौन था दोस्तों, जजिया कर था। अब अगर देखा जाए तो ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा चाहे तो आप, देखिए फिरोज शाह तुगलक, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फिरोज शाह आगे दोस्तों लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर, देखिए कहाँ पे दोस्तों, ब्राह्मणों पर दोस्तों क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जजिया आगे लिख दीजिएगा, जजिया कर
यहाँ पे लिख दीजिएगा लगाया था। देखिए कौन दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, उनको भी नहीं ये छोड़ा था। चलिए आगे और दूसरा इसके बारे में फैक्ट जानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था और इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था। दोस्तों ये जजिया कर को समाप्त करने वाला, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जजिया कर। देखिए जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया, अकबर ने यहाँ पे लिख दीजिएगा समाप्त कर दिया, समाप्त कर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दिया, यानी अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। देखिए अब फिर अगला आगे आएंगे, जब अकबर का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद आ गए औरंगजेब। दोस्तों आ गए, देखिए औरंगजेब यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया, इसे पुनः स्टार्ट कर दिया, देखिए इसे पुनः शुरू कर दिया। देखिए आगे लिख देंगे इसे पुनः शुरू, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पुनः शुरू कर दिया। तो 518 का दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा डीबी कल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा इसके कुछ मेन फैक्ट हो गए थे। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 518 के बाद दोस्तों 519 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। देखिए सलीम था, खुर्रम था, नसरुद्दीन था या जहीर उद्दीन था। बाबर का असली नाम, यानी असली का मतलब दोस्तों वास्तविक नाम आप कह सकते हैं, तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों था जहीर उद्दीन था। यानी कि 519 का अगर आप देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, 519 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो गया। बाबर का पूरा नाम दोस्तों था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए बाबर जो था, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यहाँ पे क्या लिखेंगे मुगल साम्राज्य, देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, संस्थापक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा था। और इसका पूरा जो नाम था बाबर का जहीरुद्दीन बाबर था, देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। देखिए इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो पूरा नाम जो था बाबर का वो था दोस्तों जहीरुद्दीन, देखिए हम लिख देंगे जहीर उद्दीन, देखिए जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा मोहम्मद, आगे फिर लिखेंगे दोस्तों बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। अब दोस्तों और अगर इसके फैक्ट के उस बारे में जानेंगे तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ये भी जान लीजिएगा। जो बाबर था दोस्तों यहाँ पे आप आगे लिख दीजिएगा, बाबर ने भारत पर, देखिए भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया, कुल 5 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बार आक्रमण किया, आक्रमण किया था। देखिए कुल कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों, 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसकी कुछ मेन फैक्ट बातें हमने जान लिया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 520 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को देखिए 1526 ईस्वी में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो ये दोस्तों 1526 ईस्वी में हराया था। ये दोस्तों हमारा इस 1526 ईस्वी वाले युद्ध को हम बोलते थे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते थे। देखिए क्या बोलेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम आगे दोस्तों लिख दीजिएगा युद्ध था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था दोस्तों, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों देखेंगे तो इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों अगर और डेट फिक्स डेट जानेंगे तो यहाँ पे 21 अप्रैल भी लिख दीजिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। देखिए लड़ा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों, ये तो आप पता ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, यानी कि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। देखिए इसमें बाबर की विजय हुई थी, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें विजय हुई थी, देखिए विजय हुई थी किसकी, बाबर की, इसमें किसकी विजय हुई थी दोस्तों, बाबर की विजय हुई थी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाबर, इसमें विजय हुई थी दोस्तों, बाबर की विजय हुई थी। तो ये बात हो गई।
अब दोस्तों अगर देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों किसकी विजय हुई थी, तो इसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी और हारा कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 520 का अगर देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 520 नंबर का हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 520 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखोगे देखेंगे दोस्तों 521 नंबर, यहाँ पे कहा है कि नवंबर 1525 में स्थापित होने वाले बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला। देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, यानी कि 521 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे 1526 ईस्वी देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, यानी कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर जो है दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। मिलने का मतलब दोस्तों उससे युद्ध किया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो ये यहाँ पे देखिए 1526 भर देंगे, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 521 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 522 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार भाई घुमा घुमा करके पूछ रहा है। तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध दोस्तों हमारा कब लड़ा गया था दोस्तों, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 522 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, देखिए बाबर और दोस्तों इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम, देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, देखिए 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी, देखिए विजय हुई थी दोस्तों किसकी, विजय हुई थी दोस्तों बाबर की हुई थी। तो ये इसका कुछ फैक्ट पॉइंट था। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 522 का यहाँ पे दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब आगे आ जाइए दोस्तों 523 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों कहाँ लड़ा गया था, तो दोस्तों पानीपत हमारा हरियाणा में लड़ा गया था। देखिए पानीपत हमारा कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में मौजूद है। तो 523 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हरियाणा में लड़ा गया था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 524 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। देखिए मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही से दर्शाता है दोस्तों, तो वो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे चार मुगल सम्राट दिए गए हैं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब दिया गया है। तो इनमें दोस्तों अगर आप जानेंगे तो देखिए इनका जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले अकबर ने शासन किया था। देखिए अकबर ने अगर देखें तो कब से कब किया था, तो 1556 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अकबर ने कब किया था दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1500 अकबर का, देखिए अकबर का बताया गया, तो अकबर का 1556 से 1605, देखिए 1556 से 1605 के बीच में इसने शासन किया था। देखिए जहांगीर को अगर देखेंगे तो जहांगीर कब से कब तक शासन किया था, देखिए 1605 से लेकर के 1627 तक किया था, 1605 से लेकर के 1627 तक इसने शासन किया। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या दिया गया है, अगला हमारा दिया गया शाहजहां दिया गया है। अब दोस्तों शाहजहां के बारे में बात करेंगे, देखिए शाहजहां ने कब शासन के कब से कब तक किया था, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा शाहजहां दिया गया है, तो ये शाहजहां हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कब से कब तक किया था, तो शाहजहां दोस्तों हमारा 1627 से 1658 तक किया था, 1627 से 1658 तक इसने शासन किया था। अब दोस्तों देखिए कौन बचा, औरंगजेब बचा, तो औरंगजेब हमारा कब से कब तक किया था, तो औरंगजेब दोस्तों 1658 से लेकर के, देखिए 1658 से लेकर के यहाँ पे हमारा 1707 तक इसने किया था। तो ये सभी के शासन काल का एक सही कालानुक्रम हो गया दोस्तों, ये हमारे दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद था। तो 524 का दोस्तों विकल्प नंबर देखेंगे तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 525 नंबर, और यहाँ पे कहा है तुलुघमा क्या है, देखिए तुलुघमा क्या है, जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा है, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि है, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है, जहांगीर द्वारा लगाया गया कर या लगान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तुलुघमा क्या है, तो तुलुघमा है दोस्तों हमारा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है, यानी कि 525 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं
कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुघमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। अगर बात कभी पूछ लिया जाए कि तुलुघमा नियम का प्रयोग कब किया गया था, देखिए यहां पे अगर आप लिख देंगे बाबर ने पानीपत, देखिए यहां पे हम लिखे दे रहे हैं बाबर ने पानीपत, देखिए क्या लिखेंगे, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, देखिए प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1526 ईस्वी में होता, देखिए मैं लिख भी दिया पानीपत का प्रथम युद्ध, युद्ध में, देखिए युद्ध में तुलुघमा, देखिए तुलुघमा, देखिए आप क्या लिख देंगे तुलुघमा 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 युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। तुलुघमा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा युद्ध नीति का, युद्ध नीति का इस्तेमाल किया या युद्ध नीति का प्रयोग किया, आगे लिख दीजिएगा प्रयोग किया था। तो ये तो हो गया बाबर का पहला फैक्ट हो गया। और अब अगर दोस्तों देखेंगे जिसमें से पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों या बाएं दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता था, जैसे इसमें क्या होता था, इसमें विभिन्न प्रकार के जो सैनिक हुआ करते थे उसको दाएं बाएं या मध्य में व्यवस्थापित करने के लिए किया जाता था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 526 नंबर, और यहां पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि डाट डाट में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, काबुल के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या फिर दोस्तों घाघरा के युद्ध में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये खानवा के युद्ध में जो था, खानवा का युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। यहाँ यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, खानवा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का युद्ध में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, यानी कि 526 का हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब ये खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, अगर देखेंगे तो खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा को पराजित होना पड़ा था। और दोस्तों ये कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में हुआ था। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे खानवा, आगे लिख दीजिएगा खानवा का युद्ध जो था दोस्तों कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध दोस्तों हमारा हुआ था 17 मार्च 1527, देखिए 17 मार्च यहाँ पे 1527 में हुआ था, 1527 में, 17 मार्च 1527 में हुआ था। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, बाबर ने मेवाड़ के राजा, देखिए बाबर और मेवाड़ के राजा, देखिए यहाँ पे किसके बीच हुआ था, बाबर और मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा आगे लिख दीजिएगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, देखिए राणा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा सांगा के मध्य हुआ, राणा सांगा को पराजित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, राणा सांगा के मध्य हुआ, हुआ और बाबर की विजय हुई। और यहाँ पे दोस्तों क्या, बाबर यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, बाबर की विजय हुई, विजय आगे दोस्तों लीजिएगा हुई। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पॉइंट हो गए। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला 526 के बाद देखेंगे तो हमारा 527 नंबर आ जाएगा। कहा गया कि खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, देखिए 1527 वर्ष में लगा, वर्ष कौन से वर्ष में लड़ा गया था, देखिए 527 का भी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गया था और बाबर हमारा विजय हो गया था। और ये कब लड़ा गया था दोस्तों, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तो देखिए 527 का दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 527 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 528 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, बाबर, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों हमारा बाबर हो जाएगा, यानी कि 528 का दोस्तों अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो बाबर था। और दोस्तों फिर क्या था, इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां को 14वां वंशज था। इसे बुमई या नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों ये जो है दोस्तों, इनको क्या था, बाबर को ये बुबई या नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसको दोस्तों, बाबर को। तो ये फैक्ट आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा,
यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, बाबर को जो था दोस्तों, बाबर को यहाँ पे बुबई यान, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुबई मुबई, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मुबई लिखेंगे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, इसको वापस लिख दीजिएगा, इस जगह पे अगर आप लिखेंगे तो मुबई यान, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुबई, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा यान, मुबई यान नामक पद्य शैली, नामक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पद्य शैली, नामक पद्य शैली, नामक पद्य शैली के जन्मदाता माना जाता है, के जन्मदाता आगे दोस्तों लिख दीजिएगा माना जाता है, के जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। देख लीजिएगा, ये इसका मेन फैक्ट पॉइंट हो गया। और दोस्तों देखेंगे तो बाबर को जो शासन काल था, देखिए अगर यहाँ पे बाबर का शासन काल लिख दीजिएगा, देखिए बाबर का जो शासन काल था, देखिए शासन काल हमारा कब से कब था, देखिए बाबर का जो शासन काल हमारा था वो था दोस्तों हमारा 1526 से लेकर के 1526 से 1530 तक इसका शासन काल हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो 529 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा और हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा और दोस्तों शाहजहां के द्वारा। अभी आप पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, दोस्तों बाबर के द्वारा हुई थी, यानी कि 529 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा कि खानवा का युद्ध डाट डाट के बीच लड़ा गया था। देखिए खानवा का युद्ध भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, या फिर दोस्तों हुमायूं और नुसरत शाह के बीच लड़ा गया था, अकबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाबर और राणा सांगा के बीच हमारा लड़ा गया था, खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो 530 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों जानेंगे तो खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर देखा जाए तो ये युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, 1527 ईस्वी में लड़ा गया है, ठीक है भाई, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 531 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बाबर ने भारत पर डाट डाट में पहला आक्रमण किया था, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था, विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 531 का ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण यूसुफ जाई जात के विरुद्ध किया था। देखिए पहला आक्रमण जो उन्होंने किया था 1519 में पहला आक्रमण, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा आक्रमण, पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, यहाँ पे आप लिखेंगे यूसुफ जाई, यहाँ पे हमने लिख क्या लिख दिया, यूसुफ जाई जाति, आगे लिख दीजिएगा यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया, देखिए के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा विरुद्ध किया। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट पॉइंट था। और अब दोस्तों अगर देखेंगे तो इस युद्ध में बाबर ने बजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो इस युद्ध में, देखिए यहां पे आगे ले दीजिएगा, इस युद्ध में बाबर ने, यहां पे क्या लिखेंगे, बाबर ने किसको किसको अपने उसमें शामिल कर लिया था, देखिए इस युद्ध में बाबर ने बजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया था। इस युद्ध में बाबर ने बजौर, क्या है दोस्तों यहाँ पे नाम बजौर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बजौर और यहाँ पे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा भैरा को अपने अधिकार में कर लिया, को अपने अधिकार, देखिए अधिकार में कर लिया, अधिकार में आगे कर लिया, ये बात हो गई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 531 के बाद दोस्तों 532 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो वो दोस्तों हमारी की गई थी बाबर द्वारा की गई थी। अभी हम लोग पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि 532 का दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किया गया था, दोस्तों विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
533 नंबर में कहा गया कि घाघरा का युद्ध वर्ष डाट डाट में लड़ा गया था। देखिए घाघरा का युद्ध अगर देखेंगे तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। 533 का दोस्तों हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कब लड़ा गया था दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया है। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 533 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 534 नंबर। और दोस्तों अगर देखा जाए तो घाघरा का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था तो ये भी आप समझ लीजिएगा। तो ये मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो बाबर और अफगानों के मध्य, देखिए अफ आगे तो सुन दीजिएगा, अफगानों के मध्य लड़ा गया था, के मध्य लड़ा गया यहाँ पे बाबर और अफगानों के मध्य, बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया, ठीक है। ये इसका पहला फैक्ट पॉइंट हो गया। और अगर दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों कब हुआ था, देखिए 1529 में, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों 6 मई 1529 में इसका मतलब ये युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरह पराजित किया था। देखिए यहाँ पे अगर देखें दूसरा पॉइंट में विजय किसकी हुई थी, देखिए विजय यहाँ पे भी हमारी बाबर की ही विजय हुई थी और इनको बुरी तरीके से अफगानों को परास्त कर दिया था बाबर ने, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 534 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। देखिए ये पेपर में हमारे कई बार पूछा गया, कह रहा किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। देखिए लोदी वंश के लोगों को, खिलजी वंश के, मुगल वंश के, या फिर दोस्तों तुगलक वंश के। तो 534 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मुगल वंश के लोगों को, यानी कह रहा किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो मुगल वंश के लोगों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। देखिए 534 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। और दूसरे भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, यहां पे लिख दीजिएगा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, देखिए यहां पे क्या लिखेंगे प्रथम शासक दोस्तों कौन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्रथम शासक हमारे मुगल हो जाएंगे। यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला अगर दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, देखिए भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यहाँ पे कौन हो जाएगा, तुर्की शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी कि 534 का अगर दोस्तों देखा जाए तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। और ये दोस्तों हमारा जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों, प्रथम शासक महमूद गजनवी था। दोस्तों कौन था यहाँ पे, महमूद गजनवी था हमारा, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा महमूद गजनवी, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों महमूद गजनवी था। तो ये दोस्तों आपको समझने बात आ गई होगी। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 534 के बाद दोस्तों 535 नंबर पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा होगा। देखिए अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, दोस्तों यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं, इन्हीं चार नामों को हमको सबसे मतलब नीचे से चलना है, उल्टे क्रम में इनको लगाना है, व्यवस्थित करना है। तो 535 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा सी विकल्प, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे बहादुर, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शाह, इनका भी लिख देंगे बहादुर शाह द्वितीय लिखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय हो गए, औरंगजेब हो गए, देखिए औरंग आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जेब, देखिए औरंगजेब हो गया। फिर अगर देखेंगे तो हमारा शाहजहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों शाह, आगे सुन लिख दीजिएगा जहां हो जाएगा, शाहजहां हो गया। फिर आगे कहा है अकबर हो जाएगा, अकबर हो गया हमारा, ये अकबर हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनका कब से कब तक इनका शासन चला है, तो ये समझ लीजिएगा सबसे पहले दोस्तों हमारा देखा जाएगा तो जैसे बहादुर शाह जो हमारे हैं
बहादुर शाह द्वितीय इनका शासनकाल हमारा कब से कब तक चला है? 1837 से 1857। देखिए 1837 से लेकर के 1857 के मध्य इनका शासनकाल चला है। अच्छा, ये बात हो गई। औरंगजेब का अगर दोस्तों देखेंगे तो 1658 से लेकर के 1707, देखिए 1658 से लेकर के 1707 तक चला है। अब अगर दोस्तों देखेंगे शाहजहां का, तो शाहजहां का 1627 से लेकर के, देखिए 1627 से लेकर के 1658 तक चला है इनका। अकबर का देखेंगे तो 1556 से लेकर के, देखिए 1556 से लेकर के यहाँ पे 1605 तक चला है। क्या चला दोस्तों? 1605 तक चला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका सबका सही और शासन काल का समय दे दिया गया। बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 535 का दोस्तों विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 536 नंबर में। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये भी अच्छा हमारा मतलब शासक थे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन में दिया गया शेरशाह सूरी में कहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर पंजाब बंगाल, लिखा दोस्तों सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रायल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। देखिए जो हमारा जीटी रोड को बोलेंगे दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड। देखिए पहले ये क्या था, इसका मतलब नाम था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों, इस सड़क का नाम था दोस्तों सोनार घाटी तथा शाही सड़क का निर्माण कराया था दोस्तों। इसका नाम ब्रिटिश सरकार ने बदल करके इसको जीटी रोड नाम दे दिया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 536 का दोस्तों हमारा बी के साथ यानी कि ये हमारा कौन हो जाएगा, ये सड़क का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो 536 का दोस्तों बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 536 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 536 के बाद 37 नंबर में आ जाइए। और 537 नंबर में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों देख लीजिएगा अकबर ने कराया था, हुमायूं ने कराया था, शाहजहां ने कराया था या फिर दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो अभी वही क्वेश्चन जो हम लोग पुराना पढ़े हैं वही सेम है, कह रहा सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो यहाँ पे 537 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 537 के बाद दोस्तों 538 नंबर, और 538 नंबर में देखा जाएगा दोस्तों तो देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेनरी ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कार्नविलास ने, कार्नवालिस ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 538 दोस्तों आपको बता दूं कह रहा है चार ऑप्शन दिए गए हैं कि डॉट डॉट ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो वो है हमारा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि 538 दोस्तों हमारा ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 539 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा डॉट डॉट स्थित है। देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों बहुत फेमस मंदिर है, मकबरा दोस्तों बहुत फेमस है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 539 का हमारा सासाराम में मतलब स्थित है। तो 539 दोस्तों अगर देखेंगे तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। देखिए बिहार के सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों बिहार के सासाराम, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, बिहार में हमारा बिहार के सासाराम, देखिए ना सासाराम हमारा बिहार में है दोस्तों, तो वहीं पे हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। और अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे तो देखिए शेरशाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। यह मकबरा अष्टकोणी तथा एक झील के बीच निर्मित है। इसके शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देखेंगे
तो हमारा देख लीजिएगा 540 नंबर दिया गया है। और 540 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जब चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 540 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसने डाट डाट तक शासन किया। देखिए शेरशाह सूरी ने सूरी राजवंश की स्थापना की थी, उसने कब से कब तक करा शासन किया था, तो देखिए कब से कब तक शासन के बारे में अगर पूछा गया है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 540 का ए विकल्प, यानी कि 1540 से लेकर के दोस्तों 1545 तक। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे 540 नंबर का दोस्तों हमारा कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 540 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 540 में शेरशाह सूरी जो थे, यहाँ पे सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी जिसने दोस्तों यहाँ पे 1540 से 1545 तक शासन किया था। चलिए अगला फैक्ट क्वेश्चन जानते हैं और इसके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कहा जाए शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सूर राजवंश की नींव रखी थी। शेरशाह सूरी ने ही सूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा 541 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट में शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, घियासुद्दीन शाह को हराया। देखिए कौन से सन में शेर खान, यानी शेर खान बोले तो भी वही बात है या शेर शाह बोल देंगे तो भी वही बात है, ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। दोस्तों 541 का ये हो जाएगा हमारा देखा जाएगा तो डी ऑप्शन 1538 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 541 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ जानेंगे तो 1538 ईस्वी में दोस्तों क्या था, 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण करके घियासुद्दीन महमूद शाह को हराया था। घियासुद्दीन बंगाल में हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान है दोस्तों। तो ये इसका कुछ फैक्ट बातें हो गई दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 541 बाद दोस्तों 542 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। देखिए शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम कह रहा बताइए क्या था, तो वो दोस्तों हमारा फरीद नाम था। देख लीजिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन पे दिया गया है तो 542 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 542 के बाद दोस्तों हम लोग 543 नंबर पे आ जाएंगे। और 543 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट ने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया जिसमें दी ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है डाट डाट ने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, सम्राट शेरशाह सूरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, सम्राट शेरशाह सूरी हो जाएंगे जिसने दी ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना है। 543 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 543 दोस्तों विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो यह सड़क जो है दोस्तों, यह सड़क का विस्तार तो अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता तक है। देखिए अगर ये ग्रैंड ट्रक रोड को देखेंगे तो ये अफगानिस्तान से, देखिए अफगानिस्तान से लेकर के, ये अफगानिस्तान से कहां तक है दोस्तों, अफगानिस्तान से लेकर के कोलकाता तक है। कहां तक है, कोल आगे दोस्तों ले दीजिएगा काता तक। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया दोस्तों। अगर आप कभी आपसे पूछा जाए कि भाई ये मतलब कौन से दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड ट्रक रोड कहां से कहां तक के लिए है, दोस्तों अफगानिस्तान से लेकर के कलकत्ता तक के लिए है। चलिए यहाँ पे 543 का विकल्प नंबर ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 544 नंबर। और 544 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डाट डाट में पराजित किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डाट डाट वर्ष में पराजित किया गया था। देखिए 544 दोस्तों अगर आप देखेंगे
तो ये हो जाएगा 1540 ईस्वी में पराजित किया था, तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, 1540 ईस्वी भर दिया जाएगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था, यानी कि 544 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे तो कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था, तो हमने बता ही दिया है हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। देखिए इसमें देखिए युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, देखिए शेरशाह के बीच में हुआ था, देखिए शेरशाह और दोस्तों हुमायूं और हुमायूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हुमायूं के बीच हुआ के आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बीच हुआ। ये बात हो गई, शेरशाह और हुमायूं के बीच में इनका युद्ध हुआ था और बीच में हुआ। अब दोस्तों और आगे इसमें फैक्ट पॉइंट अगर हम जानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों कन्नौज के युद्ध को विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को दोस्तों अगर देखेंगे तो ये दोस्तों हमारे को क्या हो जाएगा, कन्नौज के युद्ध को, देखिए यहाँ पे आप अगर पहला पॉइंट इसको मान लीजिएगा, इसको दूसरा पॉइंट, दोस्तों यहाँ पे कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बिलग्राम आगे लिख दीजिएगा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कन्नौज के युद्ध का दूसरा नाम क्या है, नाम आगे सुन लिख दीजिएगा से भी, बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, कन्नौज का युद्ध का हमारा नाम है बिलग्राम युद्ध नाम है दोस्तों, ठीक है ना। तो 544 दोस्तों बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डाट डाट के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों, अब चांदी के सिक्कों को डाट डाट के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा, देखिए टके के रूप में, रुपया के रूप में, टांका के रूप में, मोहर के रूप में, तो 545 दोस्तों हो जाएगा हमारा रुपया के रूप में जारी किया था, तो इस जगह पे हमारा भर दिया जाएगा दोस्तों रुपया ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों 545 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप्स दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।